Hello and welcome to Nimbus IAS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं. तो जो पहला वाला टॉपिक है, हम लोग इसमें जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, हिजाब इशू हुआ है विच वॉज हर्ड इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, हम इसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये क्रिटिक है, अगर आप इसकी टाइटल भी देखेंगे, एसेंशियली फ्लॉड. फ्लॉड क्या है? आर्टिकल बोल रहे हैं कि जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, आर्ग्यूमेंट थी, वो फ्लॉड थी. क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली बात करता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में देखें, क्या लाइफ साइकिल होता है? मान लीजिए क्लीन एनर्जी यहाँ बोल रहा है, तो सोलर सेल समझ लीजिए आप. तो सोलर सेल बनी, ठीक है, उसने बिजली प्रोवाइड करी आपको, फिर वो वेस्ट बन गया. वेस्ट बन के उसको रिसाइकल किया, ठीक है. रिसाइकल से आपको क्या मिला? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल से आपने क्या बनाया? सोलर सेल. सोलर सेल से क्या हुआ? वेस्ट. तो सर्कुलर इकोनॉमी. सो लुक इनटू द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. बेसिकली कह रहे हैं कि देखो, वेस्ट तो जनरेट होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम वेस्ट जनरेट होगा. वेस्ट और इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जिससे पोल्यूशन हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड. और जितना हम आज की डेट में जितना हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं सोलर एंड जो भी क्लीन एनर्जी के रेफरेंस में जो भी हम और ऑल्टरनेटिव मोड्स निकालने वाले हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट इज टेकिंग प्लेस, क्लाइमेट चेंज का इशू, तो हमें इसमें वी शुड यूज द बैटरी ऑफ सर्कुलर इकॉनमी. हमें सर्कुलर इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. तो ये आर्टिकल में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, जो सोलर से या पर्टिकुलरली सोलर एक्चुअली, तो जो आपको वेस्ट जनरेट होता है, तो इसके लिए हमारी पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. GS3 इन्वायरमेंट भी हो जाता है. और दूसरी चीज़, ये पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सच अ पॉलिसी. सो दिस इज द थीम ऑफ दिस आर्टिकल. एंड द थर्ड आर्टिकल ये एक्सप्लेनर सेक्शन में था, दैट इज इन टाइम्स ऑफ वॉर यूएन एज अ रेफरेंस करेंसी फॉर इंटरिम ऑयल ट्रेड. तो देखिए, ऑयल ट्रेड तो डॉलर में हो रहा है, ठीक है, क्या पूरे वर्ल्ड का ट्रेड डॉलर में हो रहा है? अबाउट 90% प्लस इज इन डॉलर. अब टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉलर. चलो, अब वॉर हो गया या कभी US की इकॉनमी को अफेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर वो फेडरल बैंक डिसाइड करता है कि हम टेपर करेंगे जो मॉनिटरी स्टिमुलस है, तो डॉलर की सप्लाई डिमांड अगर अफेक्ट होती है तो पूरे वर्ल्ड को उसका इफेक्ट पड़ता है. सो वाई शुडंट वी हैव एन ऑल्टरनेट करेंसी. तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि देखिए, अभी जो वॉर हुआ है, रशिया पे सैंक्शन लगा रखा है, तो डॉलर का सप्लाई नहीं है बिकॉज ऑफ द सैंक्शन, तो हम ऑल्टरनेट करेंसी में ऑयल ट्रेड करें. ये तो हेडलाइन एक छोटा सा कॉम्पोनेंट एक्चुअली, पर बेसिक चीज़ इसका ये है. चलिए इसको और आगे देखेंगे. तो पहले आर्टिकल पे पहले आते हैं यहाँ पे, और ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. वर्ड प्ले है एक्चुअली, एसेंशियली फ्लॉड, एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है. तो एक तरह से वर्ड प्ले यहाँ पे किया हुआ है. तो ब्रीफली एक बार समझा देता हूँ आपको, ठीक है. और ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS2 मेंस पक्का. तो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी विद रेफरेंस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन कर्नाटका, ठीक है. उन्होंने बोला, देखिए कि अगर लड़कियों को कॉलेज आना है, ठीक है, तो उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म में हिजाब परमिटेड नहीं है. हिजाब एक तरह से मुंह को ढकने का तरीका है, ठीक है. तो यूनिफॉर्म का वो पार्ट नहीं है. बाद में कर्नाटका का एक गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी थी अबाउट द स्कूल्स और द यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेजेस कि यूनिफॉर्म के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए. एंड दे अगेन वेंट विद द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, हिजाब बेसिकली अलाउड नहीं है. सो देन पीपल हु वांटेड टू वेयर द हिजाब, ठीक है, उन्होंने बोला हिजाब नहीं पहनोगे तो आप स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते. सो दे फाइल्ड अ पिटीशन, ठीक है. उन्होंने हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी. उन्होंने बोला, देखिए हमारा तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन. तो ये तो आर्टिकल 25 है, हमारा इंडिविजुअल राइट है. और अब आप मुझे बोलोगे कि हम अपना हम हिजाब नहीं पहन सकते तो हम रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते, प्रोफेस नहीं कर सकते, हमारी कॉन्शियंस के अगेंस्ट जा रहा है यहाँ पे, और आप हमारा एजुकेशन अफेक्ट कर रहे हैं. एजुकेशन आर्टिकल 21 हो गया,
है, फिर और बोल दिया कि प्रिवेसी भी अफेक्ट हो रही है, तो 1921 दोनों आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो पिटीशन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे बात आती है द कलेक्टिव राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फॉर द पीपल। ठीक है, अब क्या इसमें जो बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो क्या ये परमिटेड है, या मतलब ये अलाउ ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या ये अगर हिजाब को मना कर दिया यहाँ पे, ये अगर वैलिड मान लिया इसको, तो क्या इन लोगों का सच्ची में जिन्होंने पिटिशन फाइल कर दिया, क्या सच्ची में उनका द राइट टू फ्री प्रैक्टिस प्रोफेस, ये जो राइट है आर्टिकल 25, वो सच्ची में अफेक्ट होता है, कितना अफेक्ट होता है, तो इसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये एक टेस्ट बनाया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन द शिरूर मठ केस, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट। तो देखिए, अगर ये इस्टेब्लिश कर दे कि द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल प्रैक्टिस टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम, देन देयर स्टैंड विल बी वैलिड। ठीक है, फिर तो वैलिड है, एल्स इट इज कमिंग अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और उनको फिर अलाउड नहीं है, फिर हिजाब नहीं पहन सकते स्कूल नहीं, अगर नहीं पहनेंगे तो फिर स्कूल नहीं जा सकते, वो कोई और जगह पर जा सकते। ठीक है, तो ये बात आ जाती है एसेंशियल प्रैक्टिसेस के टेस्ट के बारे में। नाउ व्हाट हैपेंड इन द कर्नाटका हाई कोर्ट इज कि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि रिलीजन को स्टडी किया, डिस्कशंस हुई कि कुरान में है क्या, कि इज इट वेरी फंडामेंटल टू द रिलीजन, तो उन्होंने कुरान शरीफ कुरान को पढ़ा, वहाँ पे उन पे डिस्कशन किया। अच्छा, देन दे ऑल्सो सेड कि व्हाट इफ पीपल डू नॉट वेयर हिजाब, देन व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर हिजाब अलाउ नहीं किया तो क्या इट इज़ अफेक्टिंग द रिलीजन इटसेल्फ, इज इट डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इफ इन सिख रिलीजन, इफ लेट्स से फॉर एयरफोर्स, ये डिस्कशन हुई थी कि अगर आप शेव करने के लिए बोल दें या फिर बाल यू नो कटिंग ऑफ द हेयर, सो दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पार्ट ऑफ द रिलीजन, सो इट इज अफेक्टिंग फ्री प्रैक्टिस एंड द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो क्या ये इस तरह का चीज़ है यहाँ पे या नहीं है। सो दे वर एबल टू दे एस्टैब्लिश्ड बेसिकली कि ये तो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो एसेंशियल नहीं है टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो इसके चलते दिस वॉज ये पिटीशन को यहाँ पे रद्द कर दिया गया। ठीक है, और उन्होंने कहा ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि देखिए आपको कहीं और जाना है आप हिजाब पहन सकते हैं, एंड इट इज़ मोर ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन and privacy as compared to article 25. So they have now gone to the appealed against this judgment, which they believe is essentially flawed, to the Supreme Court. Okay, I hope this thing is clear. Okay, now article पे आते हैं। तो article हमें ये बताता है कि देखिए ये तो ये essential practices वाला जो test है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो कभी बहुत मुश्किल है कि कोई एक्चुअली इस्टेब्लिश कर पाए कि अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी, ये रिचुअल नहीं होगा या कस्टम नहीं होगा, तो रिलीजन पूरी इफेक्ट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके बिना तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, हमारी जो सेक्युलरिज्म है हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ये मेंस में आया था। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है 2019 मेंस। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है, अगर आप फ्रांस के साथ कंपेयर कीजिए, फ्रांस बोलता है कि कोई भी व्यक्ति सिंबल नहीं पहन सकता रिलीजन का, है ना, कोई सिंबल नहीं पहन सकता। उधर भी हिजाब का आया था, इनफैक्ट बिकिनी की जगह बुरकिनी आ गया था वहाँ पे। ठीक है, आई रिमेंबर विद रेफरेंस टू सिख ऑल्सो नॉट अलाउड टू वेयर पटका, यू नो, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट द रिलीजन। तो वहाँ पे द नोशन इज ऑफ नेगेटिव सेक्युलरिज्म, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म संभव, सो वी आर अलाउड टू एक्सप्रेस द रिलीजन एज फार एज द बेसिक नॉर्म्स, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ वगैरह अफेक्ट नहीं होता, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रीजनेबल अकोमोडेशन, मतलब आपने यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म के ओवर एंड अबव यू कैन
wear certain things that may depict your religion also. ठीक है, सो दैट मच इज परमिटेड. तो ये वो नॉर्म को भूल गया यहाँ पे. तो ये आर्टिकल इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, रीजनेबल अकोमोडेशन. एंड दूसरी बात कर रहा है कि ये जो सिस्टम है एसेंशियल प्रैक्टिसेस का, ये जो डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है, ये थोड़ी फ्लॉड है. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह पे जो इन्होंने बनाया कि क्या कोई प्रैक्टिस अगर नहीं करता तो, या अलाउ नहीं करते तो क्या वो रिलीजन को पूरा अफेक्ट कर देगी. तो इसके चलते इट मे बी बेटर दैट वी लुक एट आर्टिकल 25 में जो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स यूज़ किए हैं कि इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग इक्वालिटी डिग्निटी प्रिवेसी एंड इफ़ इट इज़ सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, अगर इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं फिर हम कह दें कि हाँ ये प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे. अगर आपको इसको नोट बनाना है तो यू कैन प्रिपेयर अ नोट एज टू व्हाट ऑल हैपेंड. ठीक है, ये जो सिचुएशन थी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन ब्रीफली राइट अ नोट ऑन एसेंशियल प्रैक्टिसेस. एसेंशियल प्रैक्टिस को डिफाइन करना आपको ठीक से आना चाहिए. शिरूर मठ जजमेंट, आनंद मार्ग जजमेंट, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. बियॉन्ड दिस यू मे बेनिफिट बाई रीडिंग अबाउट द बिजो इमैनुअल केस. विजय इमैनुअल केस एक केस था जहाँ पे स्कूल में बोला था कि आपको नेशनल एंथम में गाना पड़ेगा, पर विजय इमैनुअल जो वहाँ पे मतलब ये जिगोवा सेक्ट के थे तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ वी कैन ओनली यू नो वी कैन ओनली सिंग इन द प्रेज ऑफ द गॉड, तो ये हम नहीं कर सकते. तो उन्होंने बोला कि ये तो अलाउड नहीं है, ये मतलब सो दे हमारे रिलीजन में परमिटेड नहीं है. सो दे वेंट टू द कोर्ट एंड द कोर्ट अग्रीड विद द स्टैंड ऑफ विजो इमैनुअल. तो वहाँ पे भी एसेंशियल प्रैक्टिसेस का यहाँ पे डिस्कशन हुआ था. राइट, देन दिस बेसिकली कंक्लूड्स दिस आर्टिकल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग इज कि हम जितना ये रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, अभी सोलर सेल्स की बात कर ले, तो सोलर सेल्स जो आप अभी आज लगा रहे हैं 20-25 साल में तो ख़राब होंगी, है ना, कभी ना कभी तो ख़राब होंगी, कुछ चीज़ें डिफेक्टिव भी हो जाएंगी. एंड ज़्यादातर हमारा फोकस आई थिंक अगर 100 यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो 60-70% तो सोलर ही बनेगा, इसलिए सोलर पर ज़्यादा फोकस चला जाता है. बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो. सो इट विल गेट डिफेक्टिव अल्टीमेटली. इधर केस या तो डिफेक्टिव हो सकता है या 20-25 साल में, वैसे इसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी. सो इट बी वेरी साइजेबल अमाउंट इन द टाइम्स टू कम. बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा. अच्छा, अब हमारे पास एक संस्था है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ठीक है, कल आर्टिकल में बताया था कि इनका इन्होंने बोला है कि इसका जो इकॉनमी है दैट कैन बी अबाउट 15 बिलियन. अगर हम वेस्ट इकॉनमी पे काम करें, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइकिल करें एक्सेट्रा, सो दैट कैन बी अप टू 15 बिलियन दिस थिंग. सो एंड इंडिया टोटल सोलर कैपेसिटी कुड बी एस हाई एस 325 किलो टन्स बाई 2030. इमेजिन अब ये वेस्ट हो जाए तो ख़राब हो जाए तो क्या होगा इसका, अल्टीमेटली तो ख़राब होगा ही होगा. तो ये वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है, बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोज कैसे करना है या इसमें से रिसाइकल कैसे करना है, इसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है. अब यहाँ पे 2070 का बता रखा है गवर्नमेंट का कि कितना हमारे पास सोलर कैपेसिटी होनी चाहिए, विंड कैपेसिटी होनी चाहिए अगर हमें नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है बाय 2070. आई होप यू रिमेंबर दिस. सो ग्लासगो समिट जो हुआ था, ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे जो समिट हुआ था वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि देखो भाई 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. ठीक है, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पे. और एक कमिटमेंट करी थी कि बाई 2030, मेरे को तो यही फैक्ट याद है, मेरे को ये नहीं यूज़ करना, मैं नहीं यूज़ कर रहा, आपको करना आप कीजिए. तो ये बोल रहे हैं कि देखिए वी हैव टू एनहांस आर कैपेसिटी, हमारी पावर कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली और अपार्टमेंट्स आएंगे और ऑफिस बनेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, तो 1000 गीगावाट तक हमें अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है. इसमें से 500 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल में से होगा, उसमें से कुछ ऑब्वियसली 60-70% सोलर भी होगा यहाँ पे. चलिए, तो ये है यहाँ पे. ठीक है, अल्टीमेटली वेस्ट होगा, कुछ भी कह लो, मतलब बात बॉटम लाइन है कि वेस्ट होगा यहाँ पे.
तो वेस्ट होगा तो ऑब्वियसली अब आप गवर्नमेंट के पार्ट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो इसको वेस्ट के लिए पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट हैव अ वेस्ट पॉलिसी विद रेफरेंस टू द वेस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम क्लीन एनर्जी, बट हाँ हमारे पास ई वेस्ट पॉलिसी, ई वेस्ट रूल्स ज़रूर है। तो इसमें हमें ई वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, ई वेस्ट के अंदर हमें जो वेस्ट आ रहा है फ्रॉम क्लीन एनर्जी सोर्सेज उसको भी ऐड करने की ज़रूरत है। और उसमें बोलते हैं कि देखिए एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसने ये सोलार सेल बनाया और आपको बेचा वो सब ठीक है, या आप मोबाइल खरीदते हो तो जिसने आपको मोबाइल बना के दिया तो वो प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसमें से वेस्ट होगा, ऑब्वियसली आपको जो फ़ोन बेचा उसने उसमें से जो वेस्ट होगा उसको वो रिसाइकिल करेगा कैसे भी करके, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें सोलर या जो रेन्यूएबल एनर्जी से वेस्ट आ रहा है, जो क्लीन एनर्जी के लिए जो आपने इंफ्रा बनाया था उसमें से वेस्ट आ रहा है, उसके लिए प्रोविजंस होने चाहिए ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड थिंग इज कि इसका आपने देखा होगा कहीं आसपास वेस्ट पड़ा उसको जला दिया ठीक है, सो डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स शुड बी बैंड। और यहाँ सोचिए ना सोलर सेल है, सोलर सेल के अंदर वो वेफर है, खाने वाले नहीं बस उसका नाम वेफर है ठीक है, तो चिप्स वगैरह है तो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, अब आप उसको जलाएंगे तो वो टॉक्सिन्स आपके अंदर ही आएंगे अल्टीमेटली, या आपने डंप करके वो ज़मीन के अंदर रख लिया, ज़मीन खोदी और उसमें ज़मीन में खोद के रख दिया। आजकल सिंपल सा चल रहा है, कोई गवर्नमेंट कोई पार्क देख लीजिए म्यूनसिपैलिटी वाला खोद के उसमें वेस्ट डाल देते हैं फिर उसको भर देते हैं, फिर आपको पहाड़ सा दिखता है छोटा सा। फिर उसमें क्या होता है आप सोचिए, हैवी मेटल्स हैं ठीक है, सो दे विल बी लीच इट, बारिश हुई बारिश में वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो वेफर में जो चीज़ें थी केमिकल्स वगैरह थे वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में जाएगा या ज़मीन में फैल जाएगा, सो इट विल अल्टीमेटली एंटर री एंटर द इन्वायरमेंट, इट में एंटर द फूड चेन एंड स्टिल अफेक्ट यू अगेन ठीक है, सो इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल। तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए। तो क्या करें फिर, हमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन सोचना चाहिए। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत है, वी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज ठीक है। हम कैसे जो हमारा जो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग फुटप्रिंट है उसको हम कम कैसे करें, अच्छा हमने जो वेस्ट डाला उसमें से हम लोग कितना मैक्सिमम रिसाइकिल कर सके और क्या तरीका है जिससे हम रिसाइकिलिंग की क्वालिटी इम्प्रूव कर सके, सो एफिशिएंट मेटल रिकवरी फ्रॉम वेस्ट। पता है आपको तो इतना मिलेगा ना, एक पॉइंट लिखोगे आप आंसर लिखते टाइम, फिर उसी में आपको ये सब बातें एक लाइन के अंदर बतानी है, यही बात नहीं करने की वी शुड हैव मोर R&D इन दिस थिंग, आपको बताना है कि इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट द एनवायरमेंटली डैमेजिंग फुटप्रिंट शुड बी रिड्यूस्ड, एट द सेम टाइम मेटल रिकवरी फ्रॉम वेस्ट नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट ठीक है। सो ये तो आपने पहले ही बता दिया, उसमें इलैबोरेशन में वो लाइन वापस मत लिखिएगा। फोकस ऑन फाइनेंस एंड क्वालिटी, फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग के लिए ऑब्वियसली इंफ्रा लगेगा, इंफ्रा के लिए फाइनेंस चाहिए, R&D के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो वो डिफेक्टिव जल्दी हो जाएंगे, डिफेक्टिव जल्दी हो जाएंगे तो वेस्ट ज़्यादा बनेगा। अच्छा एक चीज़ और की जा सकती है, अच्छा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए ठीक है। तो ये है, एंड अदर थिंग आई वुड से इज दैट उसमें जो हैवी मेटल्स जो टॉक्सिन्स वगैरह लग रहे हैं उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, जो पोल्यूटिंग चीज़ें हैं उसकी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। आई थिंक वन थिंग दैट कैन बी डन इज वी कैन लुक एट ग्राफीन, जो कार्बन का ये कैलोट्रॉप है ठीक है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। लास्ट इज कि मोस्ट ऑफ द रिसाइकलिंग दैट टेक्स प्लेस इवन टूडे इज ऑन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, और हम चाहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मलाइज हो, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो हमारी कंट्री के अंदर। सो वी नीड टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स रेगुलेशंस एंड मेक इट ईजी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। और इनफॉर्मल में ना रिसाइकलिंग वगैरह मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो सारे नॉर्म ऐसी वैसी हो जाती है उनकी,
तो उसको ऐसा करना चाहिए कि वो फॉर्मलाइज हो और रेगुलेशन उसमें आए वहां पे. सो दैट हैज टू बी डन, नहीं तो पेपर पे ही रह जाती है पॉलिसीज. इन टाइम्स ऑफ वॉर द यॉन एज अ रेफरेंस करेंसी फॉर इंटरिम ऑयल ट्रेड, जस्ट इग्नोर दिस. ठीक है, तो अब इसी को कर लेते हैं पहले. इसको इतनी आग लगी है, पहले इंट्रोडक्शन में डाल दिया मेरा. तो चलो, रशिया है, ठीक है, रशिया को बोला आप पे सैंक्शन लगा दिया. अब रशिया बेच रहा था अपना ऑयल क्रूड के डॉलर्स के टर्म में. आप भी क्रूड डॉलर के टाइम पे बात करते हो कि भाई क्रूड $90 पर बैरल है, $130 पर बैरल है, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ चाइना लिख देते हैं, यहाँ इंडिया लिख देते हैं. तो अगर अब इनको ट्रेड करना है, इन्होंने ट्रेड, आप रशिया ने हमें भी बेचना है अगर, तो वो डॉलर में ही बेचेंगे ना, उनको डॉलर में ही बेचेंगे, हम भी डॉलर में खरीदेंगे, हमें आदत है डॉलर की. सो अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंडिया रूबल उस हिसाब से भी कर ले हम लोग, या रूपी के फॉर्म में भी ट्रेड कर ले यहाँ पे, बट दैट मे नॉट बी अ वेरी वायबल ऑप्शन, विल डिस्कस दैट. सो वॉट इज द सजेशन इज कि वाई नॉट हैव युआन एज अ करेंसी. युआन एक इमर्जिंग करेंसी है, चाइना का ग्रोथ हो रहा है, चाइना से हमारा डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, तो वाई नॉट ट्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ युआन. ये युआन का सिंपल है यहाँ पे. चलिए, आपको ये क्वेश्चन ही पूछेगा, बस बेसिक चीज़ है कि डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ आनी चाहिए. ठीक है, तो एक चीज़ है कि युआन के फॉर्म में कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि अगर कोई कंट्री पे सैंक्शन लगता है, ठीक है, तो डॉलर पे, डॉलर की एक्सेस, डॉलर का सप्लाई अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस अफेक्ट्स द कंट्रीज इंटरेस्ट एट द सेम टाइम. अभी यू रशिया के जो एसेट्स है वो ब्लॉक हो गए, इसकी वजह से ट्रेड करना है तो डॉलर्स में ही हो रहा है, पर डॉलर का कंट्रोल तो यूएस के पास है. सो सच सिचुएशंस मेरिट दैट वी मूव टू एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी, जिसमें हम डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो, हम कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम देखें, जैसे कि हम ही इंडिया और अभी रशिया युआन को समझ रहा है कि युआन को क्यों करे. अब युआन की बात क्यों कर रहे हैं हम, रुपी डॉलर में क्यों नहीं कर सकते, रुपी या रूबल में क्यों नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पे कहाँ लिखा है, या सो बेसिक थिंग इज दैट सी द प्रॉब्लम इज, लेट से हम लोग रुपी के फॉर्म में ट्रेड करते हैं, ठीक है, नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, रशिया एंड इंडिया. सो द प्रॉब्लम इज, लेट से इंडिया इज बाइंग इन द फॉर्म ऑफ रुपीस, ठीक है, अब रशिया का सरप्लस है, व्हेन दे ट्रेड विद अस रशिया हैज अ सरप्लस एज अगेंस्ट इंडिया. इंडिया रशिया हमें कुछ $6 billion का ट्रेड हमें एक्सपोर्ट करता है, और हम एक्सपोर्ट करते हैं $3 billion का, मतलब $3 billion का रशिया को फायदा होता है. तो अब अगर हम रशिया और इंडिया रुपीस के फॉर्म में ट्रेड करते हैं, तो रशिया के पास $3 billion × 75-77 rupees, ठीक है, तो इतना सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस करेंसी इनके पास बच जाएगी. ठीक है, अब इस करेंसी का करेंगे क्या, अगर खरीदनी है कोई चीज़ तो इंडिया से खरीदेंगे, पर इंडिया से इतनी डिमांड आई नहीं, इनको बाहर किसी कंट्री के साथ कर ही नहीं सकते. एंड मे बी द सेम थिंग कैन हैपन विद रेफरेंस टू युआन ऑल्सो. इसीलिए समवेयर डॉलर पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. ठीक है, ये है इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेसिक आर्टिकल ये बोल रहा है कि अगर देखिए ऐसी चीज़ें चलती रहेगी तो फिर वर्ल्ड को फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम सोचना पड़ेगा एज अगेंस्ट डॉलर. अब पर ये कर सकते हैं नहीं कर सकते है, उसकी फिजिबिलिटी है, उसके बारे में सवाल आ जाता है यहाँ पे. Right then, so this basically concludes today's editorial and opinion analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.